दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां पर लोगों ने कई उभरते हुए सितारों का करियर बर्बाद होते हुए देखा है। उन्हीं सितारों में से आज हम एक ऐसी ही अदाकारा की बात करने वाले हैं, जिसके अभिनय करियर को बी ग्रेड फिल्मों ने खत्म कर दिया। अपने शुरुआती दिनों में इस अभिनेत्री ने कई सारे फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय से लोगों को रोमांचित भी किया, लेकिन धीरे धीरे जब फिल्मों से लीड रोल मिलने बंद हो गए, तब इस अभिनेत्री का अभिनय करियर समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा आशा सचदेव के बारे में। जी हाँ, ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अभिनय करियर के शुरुआती दौर में अपने शानदार और बोल्ड अदाकारी से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। लेकिन उनके करियर का एक ऐसा फेज भी आया जब उन्हें मुख्य भूमिका के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें कोई अपने फिल्मों में साइन नहीं करना चाहता था और आखिरकार फिल्मों में गिरते ग्राफ के चलते उन्होंने अभिनय को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे, तो उनके सफर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 27 मई साल 1956 को मुंबई के एक हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर पर हुआ। उनका वास्तविक नाम नफीसा सुल्तान है। वो कलाकारों के परिवार से ताल्लुक रखती थीं, लिहाजा बचपन से ही उन्हें फिल्मी दुनिया के चकाचौंध को नजदीक से देखने का मौका मिला, इसलिए वो भी बड़ी होकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाना चाहती थीं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की, हालांकि उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। खैर, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया और वहां पर रहते हुए उन्होंने अभिनय सीखा। अभिनय सीखने के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म को पाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और आखिरकार साल 1972 में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उनकी पहली फिल्म थी डबल क्रॉस, जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। उन्हें फिल्म डबल क्रॉस में कास्ट किया गया। जब वो FTII से अभिनय सीख कर निकली, तभी उन्हें निर्देशक गोगी आनंद द्वारा इस फिल्म में अभिनय करने का ऑफर मिला। इसके अलावा उन्हें उनकी पहली फिल्म को दिलाने में उनके घर वालों का भी योगदान रहा। ये एक एक्शन क्राइम फिल्म थी जिसे निर्देशक गोगी आनंद ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में विजय आनंद और मशहूर अभिनेत्री रेखा मुख्य भूमिका में शामिल थे। इसमें आशा एक सहायक भूमिका लिली के रूप में दिखी। हालांकि फिल्म पर्दे पर फ्लॉप रही, लेकिन फिल्म के कुछ गाने दर्शकों को काफी पसंद आए। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बिंदिया और बंदूक में अभिनय किया, जिसे शिबू मित्रा द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को निर्मित करने का काम जोगिंदर ने किया था। अभिनेता किरण कुमार के साथ ने मुख्य भूमिका में लिया गया, जिसमें उन्होंने दुर्गा की भूमिका निभाई। ये एक कम बजट की फिल्म थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से अधिक सफल नहीं हो पाई, लेकिन उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। लेकिन यहीं से उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरता गया, क्योंकि ये फिल्म लो बजट की फिल्म थी। इस बी ग्रेड फिल्म के बाद ए ग्रेड फिल्मों के निर्देशकों के बीच उनकी नेगेटिव छवि बन गई, इसलिए उन्हें कोई बड़े बजट की फिल्मों में काम नहीं देना चाहता था। हालांकि उन्होंने आने वाली फिल्मों में शानदार अभिनय किया था। फिर उन्हें बड़े बजट वाली फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला। पहली और दूसरी फिल्म में उनके द्वारा किए गए अभिनय को फिल्मकारों ने पसंद किया, जिसके चलते उन्हें उसी साल एक और फिल्म हिफाजत में अभिनय करने का मौका मिला। ये एक ड्रामा फिल्म थी और इसका निर्देशन KSR द्वारा किया गया था। इस फिल्म में आशा विनोद मेहरा के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने आशा का किरदार निभाया, जबकि विनोद ने किशोर का किरदार निभाया। आपको बता दें कि उनकी तीसरी फिल्म भी व्यावसायिक रूप से असफल रही। हालांकि इस फिल्म के गाने आज भी लोकप्रिय हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी चौथी और पांचवी फिल्म में अभिनय किया, जिसका शीर्षक था कसमकश और परिणय, जिसमें से परिणय काफी सफल रही। अपने शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। अभी तक वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाई थी। तभी साल 1976 में एक फिल्म आई, जिसका शीर्षक था महबूबा। ये हिंदी भाषा की एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसे शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि आशा एक सहायक भूमिका में दिखाई थी। इसमें उन्होंने रीता मल्होत्रा का किरदार निभाया था। इसके अलावा
फिल्मों में प्रेम चोपड़ा, असरानी और सुजीत कुमार जैसे मशहूर कलाकार शामिल थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मुंबई को छोड़कर सभी जगह पर सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। इसने आशा के करियर को एक नई पहचान दिलाई। धीरे धीरे वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय होती गई। उसके बाद उन्होंने एजेंट विनोद, प्रियतमा, एक ही रास्ता, भूख, खून का बदला खून जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया और अपने दमदार अभिनय और बोल्ड अदाकारी के चलते वो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। 70 का दशक उनके लिए काफी अच्छा रहा। साल 1980 में आई फिल्म द बर्निंग ट्रेन में वो नजर आईं, जिसे बीआर चोपड़ा द्वारा निर्मित और रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें कई मशहूर कलाकार दिखाई दिए, जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और नीतू सिंह। फिल्म में आशा ने रामकली की भूमिका निभाई थी, जो एक कव्वाल गायक के रूप में दिखाई थी। उनके द्वारा किए गए अभिनय को काफी पसंद किया गया। फिल्म को आलोचकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। महंगे बजट के चलते ये 1980 की सातवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन फिर भी इसे औसत कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद उन्होंने 80 के दशक में कुछ फिल्मों में अभिनय किया, जैसे सत्ते पे सत्ता, एक नई पहेली, सुराग, 3D सामरी, ईश्वर और बागी, अ रेबल फॉर लव, जिसमें से बागी फिल्म भी हिट रही। ये 1990 की फिल्म है जिसे दीपक शिवदासानी ने निर्देशित किया था। ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और ये अभिनेत्री नगमा की पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें मशहूर अभिनेता सलमान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आशा ने इसमें लीलाबाई की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। ये उस साल की सातवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद ही उन्होंने 1990 में ही सुपरहिट फिल्म अग्निपथ में भी अभिनय किया, जिसमें वो चंदाबाई के रूप में नजर आई। इसी प्रकार उन्हें सहायक भूमिका निभाने के लिए रोल मिल रहे थे। उन्हें कोई भी मुख्य अभिनेत्री का किरदार नहीं देना चाहता था, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम करना पड़ रहा था। और उसके बाद साल 2000 में वो अपनी आखिरी फिल्म में नजर आई, जिसका शीर्षक है फिजा, जिसमें एक बार फिर वो उल्फत के किरदार में दिखाई दी, जो एक सहायक भूमिका थी, जबकि मुख्य भूमिका के रूप में ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर दिखाई दी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और हिट घोषित की गई। दोस्तों, उन्होंने टीवी सीरियल में भी अभिनय किया, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि अब वो मुख्य अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक नहीं कर सकती, तो उन्होंने फिल्म में अभिनय करना ही छोड़ दिया। करीब 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया। उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं घटा। किशन लाल नाम के एक व्यक्ति से वो शादी करने वाली थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आशा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं किशन से बहुत प्यार करती थी और अब जब वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। किशन की यादें अभी भी मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं के सहारे जी लूंगी, इसलिए दोस्तों उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उनके भाई का नाम अनवर हुसैन है, वो एक प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं। ये आशा के सगे और बड़े भाई हैं। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अरशद वारसी आशा के सौतेले भाई हैं। दोनों के पिता एक ही थे, जिनका नाम अहमद अली खान उर्फ आशिक हुसैन वारसी था, जबकि माँ अलग अलग थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अरशद ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। दर्शकों के बीच वो फिल्म मुन्ना भाई MBBS के किरदार सर्किट के नाम से बहुत लोकप्रिय है। उनकी पत्नी का नाम मारिया गोरेटी है, जो एक इंडियन वीडियो जॉकी हैं। उन्होंने कई शोज होस्ट किए हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम JK वारसी और बेटी का नाम जेनी जोई वारसी है। आशा के पिता अहमद अली खान एक म्यूजिशियन थे, जबकि उनकी माता का नाम रंजना सचदेव है, वो एक अभिनेत्री थी। आपको बता दें कि आशा बहुत छोटी सी थी जब उनके माता पिता का तलाक हुआ था। उनके भाई अनवर उनके पिता के साथ रहे, जबकि वो अपनी बहन रेशमा के साथ अपनी माँ के साथ ही रहीं। शादी के पहले उनकी माँ का नाम राजिया था। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनके दूसरे पति का नाम IP सचदेव था, जो कि पेशे से एक वकील थे। दूसरी शादी के बाद उन्होंने अपना नाम रंजना सचदेव कर लिया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम नफीसा से आशा सचदेव रख दिया था। इस तरह नफीसा से उनका आशा नाम पड़ा।
दोस्तों आशा ने अपने अभिनय से जो प्रसिद्धि हासिल किया उसको अधिक समय तक नहीं बरकरार रख पाई और धीरे धीरे फिल्मों में छोटे किरदार मिलने की वजह से दर्शकों के बीच से गायब हो गई। आखिरकार उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो 66 वर्ष की हो गई हैं। हम उनकी अच्छी सेहत के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।